लोकसभा स्पीकर बन्या बाद ओम बिरला आज सूरत की मुलाकात आया था। एरपोर्ट और सर्किट हाउस खाते उष्माभर्यु स्वागत कर भारतीय जनता पार्टी होद्देदारों तेमज सूरत शहर उद्योगपतिओ द्वारा शुभेच्छा मुलाकात लेती। सर्किट हाउस खाते मोटी संख्या में टेक्सटाइल उद्योग साथ जोड़ेला अग्रणी मुलाकात मे आया था, ज्या ओम बिरलाए सूरत की औद्योगिक प्रगति और व्यापारिक हब बन हो नोधी विकास खूब थो हो वखाण करता कहूं कि सूरत तमाम ने पोता बना ले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाए सूरत शहर की प्रशंसा करी थी। एमने कहूत कि सूरत ए बहु रंगीलू शहर है, जेपन लोग पोता व्यवसाय अँ आए ये तमाम ने आर्थिक प्रगति थाय। आ एवं शहर है कि जेमा देश और विदेश आए ने पोतिका बना ले। सूरत शहर में औद्योगिक विकास माटे खूब सारो माहौल है। अहीं कामदारों ने वेतन पण खूब सारूँ मळे छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अने हालना मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात में अने सूरत नी अंदर जे औद्योगिक विकास माटे जे योगदान आप्युं छे तेनो पण हूँ आभार व्यक्त करूँ छूँ। लोकसभाना अध्यक्ष ओम बिरलाए आज रोज सवारे सूरत सर्किट हाउस खाते महानुभावों साथे बैठक शुभेच्छा मुलाकात लीधा बाद 12:30 कलाके अवध उटोपिया खाते स्थानिक कार्यक्रम में हाजरी आपी हती। सांजे 4 वागे उधना मगदल्ला खाते बाबा श्यामधाम मंदिर में दर्शन करीने स्थानिक कार्यक्रम में हाजरी आपसे। बिरला 5:30 वागे द ग्रांड भगवती होटल खाते अभिनंदन समारोह में उपस्थित रहते। रात्रे 9:25 वागे सूरत एरपोर्ट पर दिल्ली जवा रवाना थसे। आज यहाँ की जनता ने जो स्वागत किया उसे अभिभूत हूँ। सूरत देश का वह शहर है जहाँ पर औद्योगिक व्यापारिक का एक देश और दुनिया का बड़ा हब है, जहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्कृति के अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। कोई इंडस्ट्री उद्योग लगाना आता है, कोई व्यापार करने आता है, कोई मजदूरी करने आता है, कोई सरकारी सेवा में नौकरी करने आता है, कोई निजी संस्थानों में नौकरी करने आता है। लेकिन इस सूरत में सबको अपना प्रदेश अपना शहर लगता है, जहाँ सबको समाहित कर लिया जाता है, जहाँ पर हर व्यक्ति का उद्योग लगाने वाले का उद्योग विस्तार करता है, व्यापार करने वाला का व्यापार यहाँ बढ़ता है, जो यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं उन मजदूरों को एक अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा वेतन मिलता है। ये बहुरंगी संस्कृति का ये शहर अपने आप में एक निराला शहर है, जहाँ पर जो भी आता है उसकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है। इसलिए मैं गुजरात के आज सूरत में आया हूँ। निश्चित रूप से हम सब मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस औद्योगिक व्यापारिक हब बनाने के लिए यहाँ के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण आज देश और दुनिया का बड़ा सेंटर भी बना है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। रमेश कल्चर, जनसाक्षी न्यूज़, सूरत।